जनपद पौड़ी में नगर पालिका ने कांजी हाउस संचालक की कवायद पर सिलेत गांव के ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। सिलेत गांव के क्रियार्क सेड़ में प्रशासन ने नगर पालिका को कांजी हाउस संचालन के लिए भूमि आवंटित की गई। ग्रामीणों के कहने की भूमि ग्रामीणों के खेल मैदान की है। इस जगह पर पहले से ही एक गोधाम मौजूद है जिसमें निराश्रित गाय रखी गई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बाजार में आवारा पशुओं की भरमार है जिसको लेकर जिला प्रशासन और जिला पंचायत ने कोई व्यवस्था नहीं की है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से भूमि आवंटन रद्द करने और कांजी हाउस की कवायद को रोकने की मांग की है। पौड़ी से मुकेश बच्छेती की रिपोर्ट। पिछले वर्ष जो हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ विकास खंड है दुगड्डा, उसमें ये बहुत अधिक इसने अपना प्रभाव दिखाया था। इस साल दुगड्डा विकास खंड में ये बहुत ही कम है, और क्योंकि हमने पिछले वर्ष बहुत प्रयास किया था इसके टीकाकरण चिकित्सा करने के लिए। वर्तमान में विकास खंड पौड़ी, खिरसु, पाबो और थलीसैंण में कुछ इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। लगभग 170,000 टीकाकरण गोवंश का हम कर चुके हैं और वो निरंतर चल रहा है। इसके चिकित्सा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त औषधि और वैक्सीन उपलब्ध हैं।